नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कावड़ यात्रा के जरिए केंद्र और राज्य सरकारों पर तीखे हमले किए। ओवैसी के मुताबिक सरकारें एक तरफ तो धर्म के नाम पर कावड़ियों की खिदमत में लगी रहती हैं, दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी छीनने में लगी। ओवैसी ने कावड़ यात्रियों को अलग अलग जगहों पर मिल रही सुविधाओं का जिक्र करते हुए कहा कि खुले में नमाज पढ़ने पर बवाल हो जाता है, लेकिन कावड़ियों के लिए सरकारें मेहरबान है। ओवैसी कह रहे हैं कि ये खुल्लम खुल्ला भेदभाव है। तो कावड़ यात्रा को लेकर अब ओवैसी बोलते नजर आ रहे हैं, एक से मोहब्बत तो दूसरे से आखिरकार नफरत क्यों, एक के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट पर दूसरे पर बुलडोजर क्यों, ये बड़ा सवाल ओवैसी उठाते हुए कह रहे हैं सीधे तौर पर ये भेदभाव है। कावड़ियों पर फूल आप बरसाइए, इससे ओवैसी कह रहे हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनके घर पर बुलडोजर तो ना चलाएं। ये बात ओवैसी कहते हुए नजर आ रहे हैं। कावड़ यात्रा मार्ग में गोश्त बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है, ओवैसी कह रहे हैं। ओवैसी ने कावड़ यात्रियों को अलग अलग जगहों पर जो सुविधाएं मिल रही हैं उसका भी जिक्र किया और कहा कि खुले में नमाज पढ़ने पर बवाल हो जाता है, लेकिन कावड़ियों के लिए सरकार मेहरबान दिख रही है। ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि खुल्लम खुल्ला भेदभाव ही प्रतीत हो रहा है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो मुस्लिम राग एक बार फिर से छेड़ा ओवैसी ने। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि कावड़ियों पर देखिए किस तरीके से उनकी सेवा हो रही है, रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है, कई जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं कावड़ी यात्रा को देखते हुए, पुलिस वाले उनकी सेवा कर रहे हैं, सरकारें सेवा कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तो उससे सरकार को आपत्ति है, एक तरफ फूल बरसाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ बुलडोजर चलाया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। और सीधे तौर पर यह भेदभाव सरकार का, प्रशासन का, एक खास समुदाय का जिक्र वो कर रहे हैं और कह रहे हैं मुस्लिम राग छेड़ते हुए बाकायदा ट्वीट उन्होंने किया। गौरव भाटिया इस वक्त बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया, ओवैसी साहब सीधे तौर पर ये पूछ रहे हैं कि एक के लिए फूल बरसाइएगा और दूसरे के लिए बुलडोजर चला दीजिएगा, ये कहां तक जायज है? सबसे पहले तो ओवैसी जी का असली चरित्र बाहर आ रहा है। उनको केवल अपना धर्म मुसलमान दिखाई देते हैं और उनको बाकी जो धर्म के लोग हैं उनसे बहुत नफरत है। उनके खुद के बयान, उनके भाई के बयान भी यही दर्शाते हैं। दूसरी बात, ओवैसी जी एक चीज और समझ लें कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करेगा, पत्थर मारेगा, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होगा तो उस पर फूल नहीं बरसाए जाएंगे, उसकी सही जगह जेल की सलाखें हैं और वहीं भेजा जाएगा। अगर कोई अपनी आस्था शांतिपूर्वक दिखाता है तो उस पर फूल ही बरसाए जाएंगे। जो सौहार्द बढ़ाएगा उस पर फूल बरसाए जाएंगे, जो पत्थर चलाएगा उस पर लाठी ही बरसेगी। ठीक है, लेकिन गौरव भाटिया वो ये भी कह रहे हैं कि जब नमाज सड़कों पर होती है तो आप कहते हैं जाम लग जाता है, अब जब कावड़ी सड़क पर निकले तो रूट डाइवर्ट हो जाते हैं, स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं, तो ये क्यों, उससे क्या दिक्कत नहीं हो रही है रूट डाइवर्ट करने से? अर्पिता जी, अगर कोई त्योहार मनाया जाता है जो वर्ष में कभी कभी आता है तो हर नागरिक पूरी तरह से सहयोग करता है। ताजिया निकलते हैं लखनऊ में, कभी आपने देखा है कि करी हो? लेकिन रोड बंद कर देना हर जुम्मे की नमाज पे, या आप रोज अगर नमाज पढ़ेंगे तो आम आदमी को असुविधा होती है, ये कानून के खिलाफ है और इसीलिए होता है। इसकी तुलना आप कावड़ियों की यात्रा से करें। वो ये भी कह रहे हैं कि भेदभाव है, कई जगहों पर वो देख रहे हैं कि मुस्लिम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। वो तो ये भी कहते हैं कि आरोपियों को जबरदस्ती, आप कई बार ऐसा कह देते हो मुस्लिम ही है, तो ये भेदभाव की राजनीति हो रही है। सरकारें कावड़ियों की मदद करते हैं लेकिन दूसरे धर्म के लिए वो भावना नहीं दिखा पाती है सरकार। देखिए, मैं केवल इतना ही कहूंगा, ये वही ओवैसी जी हैं जिन्होंने सैनिकों की शहादत में धर्म ढूंढ लिया था और बता रहे थे कि कितने मुसलमान शहीद हुए देश के लिए। और एक बात और बता दूं, याकूब मेमन को इन्होंने कहा कि फांसी इसलिए दी गई क्योंकि वो मुसलमान है। अब ये जनता खुद देखती है और वो तय करती है कि इनके जैसे लोग शपथ तो संविधान की लेते हैं लेकिन संविधान को धर्म की राजनीति में रोज तार तार करते हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कुल मिलाकर कि जो ये भेदभाव आप मान रहे हैं, जैसा वो आरोप लगा रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है, यहाँ पर उनको दुख और तकलीफ इस बात की है कि वो तस्वीरें आती हैं, पुलिस वाले मरहम लगा रहे हैं कावड़ियों के पैरों पर, वो तस्वीरें आती हैं जब लोग उनको पानी पिला रहे हैं, उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, लेकिन ये भावना मुस्लिम समुदाय के लिए वो कह रहे हैं अब नहीं दिखती है और ये भेदभावपूर्ण है।
देखिए ओवैसी जी को जानना चाहिए कि जितने मुसलमानों को वो जानते नहीं है उससे ज्यादा मुसलमानों को सशक्तिकरण किसी ने किया है तो वो मोदी जी और योगी जी ने किया है। सबका साथ सबका विकास का हमारा मूल मंत्र है और उनको लखनऊ जाना चाहिए, उनको बाकी जगह जाना चाहिए, विभिन्न प्रदेशों में जहां भाजपा की सरकार है अगर कोई त्योहार शांतिपूर्वक कोई भी धर्म का व्यक्ति आ रहा है तो उसका पूरा ध्यान प्रशासन रखता है, शासन रखता है। लेकिन आप आतंकियों को अगर अपना बुलाएंगे, उनके हितैषी बनेंगे, अगर पत्थरबाजों के हितैषी बनेंगे तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीधे तौर पर बीजेपी का स्टैंड ये है कि वो दोनों ही समुदायों के साथ वैसा ही बिहेव करते हैं, सबको उतना सम्मान दिया जा रहा है, वैसे ही साहब सिर्फ एक खास वर्ग के लिए सिंपैथी दिखा रहे हैं।